आखिरकार हॉस्टल वाड़ाने की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होगा, वैकेंसी कब तक आएगा, पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाए। तो चलिए बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका 150 नंबर का रहेगा। उसमें कंप्यूटर तो 50 नंबर का रहता है जिसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। कैसे तैयारी करना है पूरी जानकारी के लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तैयारी कैसे करना है। तो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर परीक्षा तो ऑफलाइन होगी, साथ ही प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो परीक्षा में प्रश्न पत्र कुल 150 होंगे, ठीक। कितने नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और यह परीक्षा की समय की बात करें तो परीक्षा के समय आपका 2.5 घंटे की रहेगी, ठीक है। परीक्षा हॉस्टल वाड़ाने की जो है उसका 2.5 घंटे की रहती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेंगे, यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 1 टिक लगाना है, ठीक है। और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा। इसमें 0.25 यानी कि अंक काटे जाएंगे, 0.25 यानी कि 25 यानी कि 1/4 यानी कि 4 ऑप्शन में 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले सिलेबस में आपके जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस है आपका कंप्यूटर तो 50 नंबर का आएगा जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाते हैं हॉस्टल वाड़ाने में कंप्यूटर में तो आपका OMR sheet यानी कि चेक नहीं किया जाएगा। चाहे आप हिंदी का पूरा नंबर बनाओ या गणित का पूरा नंबर बनाओ या फिर सामान्य ज्ञान का या फिर सामान्य छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर आप उनमें से अगर सभी का अच्छे से नंबर ला लेते हैं लेकिन कंप्यूटर में अगर आप पास नहीं होते तो आपका OMR sheet चेक नहीं होगा, आप परीक्षा में फेल माने जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में 50 नंबर में कम से कम 25 नंबर, न्यूनतम 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी में आपका 10 नंबर का आएगा और कौन से बुक से तैयारी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, ठीक है। तो देखिए अब अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में आपका 10 नंबर का रहेगा। गणित की बात करें तो गणित में आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें कि सामान्य ज्ञान के, तो सामान्य ज्ञान का आपका कितना नंबर का रहेगा, 20 नंबर। इसके बाद बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ जी की यानी कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, तो वो भी आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर व्यापक में पूछे ही जाते हैं, करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सिलेबस के बारे में बात करें, अब तैयारी कैसे करना है और वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी आए या ना आए या कभी भी आए, आपको परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है, परीक्षा 2 महीना बाद आए या 3 महीना बाद आए, आपको तैयारी रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि देखिए अब इसका बुक के बारे में बात करते हैं, तो बुक कौन से बुक से तैयारी करना है। तो देखिए कंप्यूटर का आपका तो हो गया, देखिए ध्यान से याद करिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। कंप्यूटर में आपका परीक्षा मंथन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, परीक्षा मंथन से पढ़ लीजिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया रहता है, पूरा डिटेल वाइज दिया रहता है, ठीक है। और हो सके तो देखिए 26 सितंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वाड़ाने की, और साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और ADO यानी कि ADO के लिए, यानी तीनों ही एग्जाम के लिए हमारे YouTube चैनल पर 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है। रात 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और गणित की क्लास रहेगी और सुबह 9 बजे कंप्यूटर और करंट अफेयर की क्लास रहेगी। हिंदी और इंग्लिश की क्लास मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, सिर्फ 3 सब्जेक्ट कराऊंगा, ठीक है। गणित का हो गया, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, और करंट अफेयर, ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 26 सितंबर से नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। अब बात करते हैं कि हिंदी बुक से, तो हिंदी बुक में आपका हरिराम पटेल है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या फिर लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, हिंदी का 10 नंबर का आता है। इसके बाद बात करें अंग्रेजी का है, अंग्रेजी का आप भी पढ़ लीजिएगा, एक बुक आता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और गणित क्या आता है, तो गणित के आपका नवीन अंकगणित है या फिर अंकगणित, ठीक है, नवीन अंकगणित आप पढ़ लीजिएगा या फिर HD यादव का बुक, आप दोनों में से एक रिफर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों अलग अलग है लेकिन आप एक बुक रिफर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि सामान्य ज्ञान का, सर सामान्य ज्ञान में लूसेंट का भी पढ़ सकते हैं या फिर हरिराम पटेल का, दोनों में आप एक कवर कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ GK की बात करें तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर डेली आपको दैनिक भास्कर या कुछ है ना पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के करंट अफेयर। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी करने के लिए देखिए यहाँ पर
कॉमन बात है कि व्यापम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के देखते हैं कि कैसे तैयारी करना है, सिलेबस में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में 20 अंकों के 20 प्रश्न रहेंगे, आपको 20 नंबर पूछे जाते हैं। वहां से छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, ठीक है। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरा, लोकोक्तियां, ठीक है। चौथा बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेषकर परंपराएं से एवं तीज त्यौहार से। तो छत्तीसगढ़ के जनजाति से विशेषकर 3 से 4 नंबर वहां से पूछे जाते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि से, और छत्तीसगढ़ की जनगणना से आप लोगों को पढ़कर जरूर जाना है। छत्तीसगढ़ जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन वहां से आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा एवं स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से कभी कभी पूछ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, खनिज एवं जल संसाधन विभाग, यानी कि वहां से आपको 3 से 4 नंबर खनिज संसाधन विभाग से देखने को मिल सकता है, छत्तीसगढ़ उद्योग विकास, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाएं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपको 6 महीने तक पढ़ लेना है, ठीक है। 1 साल भी नहीं कह रहा हूं आप लोगों को, मैं 6 महीने तक आपको पढ़ लेना है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की। इसके बाद बात करें तो देखिए यहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं संबंधित खेल का ये आपको 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 1 साल जो जितने भी कवर हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाएं सब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करें कि घटनाक्रम के बारे में, उसके बाद भारत का सामान्य ज्ञान। अब भारत के सामान्य ज्ञान से आपको 20 नंबर तो देखने को मिल सकते हैं, 15 से 20 नंबर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का मैं आप सभी को बताया हूँ। उसके बाद भारत का सामान्य ज्ञान से, ठीक है, भारत के सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो भारत के सामान्य ज्ञान में आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 20 नंबर का रहेगा। तो भारत का राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, संवैधानिक मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी को पढ़, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बारे में बात करें कि भारतीय इतिहास से, अब भारतीय इतिहास से यानी कि वहाँ भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं पूछा जाते हैं इतिहास से, ठीक है। और 1857 से लेकर 1947 से लेकर बात का घटनाक्रम वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल पर 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है, डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज चलेगा। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लाइक करके रख लीजिएगा, चलिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भूगोल से छत्तीसगढ़ का बोर्ड कक्षा 10वीं के बेस में आता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थ, सामाजिक, आर्थिक विकास, जनसंख्या, राष्ट्रीय, पंचवर्षीय योजनाएं, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ बोर्ड यानी कक्षा 10वीं के स्तर तक आपका पूछा जाएगा। अब सामान्य ज्ञान की बात करें तो देखिए भारत के सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट का बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लूसेंट का बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करा रहा हूँ तो ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर वही प्रारंभ होने जा रहे हैं, 26 सितंबर से डेली क्लासेस लगेगी, ठीक है, 8:00 की रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर गणित का डेली आपको कराएंगे, लाभ, हानि, जितना भी गणित से पूछे जाते हैं वहाँ से आप सभी को क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका है कंप्यूटर का, उसके बाद इंग्लिश का रहेगा, तो इंग्लिश का 10 नंबर पूछा जाता है, उसमें नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, ये सब पूछा जाता है उसमें। उसके यूज ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशन, उसके बाद ट्रांसफर, है ना, ये पैसिव वॉइस, ये जितने भी ग्रामर है आपको इंग्लिश में आपको 10 नंबर पूछे जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका डेली में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेली आपको 50-50 MCQ कराया जाएगा, ठीक है। टोटल आपका 50-50 MCQ करके 1000 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ से आपका आने की संभावना तय है, ठीक है। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एडीओ की। एडीओ की जो भी क्लास है वो 8:00 क्लास होगी, वो भी 26 सितंबर से प्रारंभ होगी। और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसका देखिए फिजिकल तो इसका हो चुका है, जो लोग फिजिकल में कैंडिडेट जो लोग पास हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है सब इंस्पेक्टर की, यानी कि SI टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है। वहाँ उसका एग्जाम की बात करें तो शायद अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होने के चांसेस है, या नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं, ठीक है, मैं संभावित बता रहा हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की। अब देखिए कंप्यूटर में देखिए आपको कंप्यूटर जिसमें अभ्यर्थी को 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लासेस रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर का आपको 50 में कम से कम 40 नंबर लाने के लिए मैं आपको संभावना करूंगा, प्रयत्न करूंगा, ठीक है, कोशिश करते रहें। इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य न था, आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, इसलिए आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर में आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए मैं डेली आपको 50 MCQ कराऊंगा, तो डेली, ठीक है,
इसमें कंप्यूटर की जानकारी की बात करें तो कंप्यूटर के परिचय में उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, प्रमुख भाग क्या होगा, प्रिंटर, अब प्रिंटर से बात करें तो प्रिंटर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रिंटर से, ठीक है, इंकजेट, लेजर, अन्य प्रकार के प्रिंटर से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है, डेली कराऊंगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जाते हैं, कार्यालय का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, ठीक है, एंटीवायरस, अब एंटीवायरस से बात करें तो एंटीवायरस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 नंबर वहाँ से आ जाते हैं। मल्टीमीडिया से आते हैं, सीडी डीवीडी आपको पढ़ना पड़ेगा, सीडी डीवीडी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद गूगल से आते हैं, अल्ता विस्ता से आते हैं, ठीक है, जितनी भी कंप्यूटर्स के रहेगा आप सबको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, यही आपको, ठीक है, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।